हेलो एवरीवन इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस टॉपिक सिंटेक्स जिसको हम डिटेल में एक्सप्लेनेशन करेंगे इस वीडियो में डिटेल में समझेंगे इसको सिंटेक्स क्या होता है सिंटेक्स किस तरह से काम करता है किसी भी सेंटेंस में या उसका यूज़ क्या होता है और किस तरह से जो सिंपली सिंटेक्स है उसका यूज़ किया जाता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे सो सिंटेक्स की अगर हम सिंपली बात करें तो सिंटेक्स मीन्स हाउ द वर्ड्स आर मेड कैसे कोई भी वर्ड बनाया जाता है एंड द सिंटिक्स जो टर्म है दैट इज कम फ्रॉम द ग्रीक और इसका मीनिंग क्या होता है अरेंज टुगेदर ऑर्डरिंग टुगेदर सिस्टमेटिक टुगेदर और अरेंज और पुटिंग टुगेदर अब क्या पुट करेंगे हम क्या अरेंज करेंगे क्या ऑर्डर करेंगे इस वेरी इंपॉर्टेंट तो यहाँ पे वर्ड्स को अरेंज करने की बात की गई है कि कोई भी जो सेंटेंस लिखा होता है उसमें किसी भी वर्ड को जो अरेंजमेंट होता है वही होता है आपका सिंटेक्स द अरेंजमेंट ऑफ वर्ड एंड फ्रेज क्रिएट वेल फॉर्म्ड सिंटेक्स इन अ सेंटेंस इन अ लैंग्वेज कि किसी भी लैंग्वेज का कोई सेंटेंस लिखा गया है तो उसमें सेंटेंस सिंटेक्स जो होता है उसका यूज़ किया जाता है मतलब अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स किया जाता है सिंटेक्स इज द ग्रामेटिकली स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड एंड फ्रेज टू क्रिएट कोहोरेंट सेंटेंस सेंटेंस को क्रिएट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है सिंटेक्स इज द ग्रामेटिकली स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस ग्रामेटिकली स्ट्रक्चर होता है इसको लेकिन हम इसको कंप्लीट ग्रामर नहीं बोल सकते द फॉर्मेट इन विच वर्ड्स एंड फ्रेज आर अरेंजिंग टू क्रिएट सेंटेंस इज कॉल्डेक्स इट्स वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन कि जो फॉर्मेट होता है वर्ड्स का और फ्रेज का कि किस तरह से उसको सेंटेंस में अरेंज किया जाए दैट इज कॉल्ड सेंटेक्स इट इज़ अ टूल वी कैन से दैट जो सेंटेक्स है इट्स अ टूल जिसकी वजह से जो राइटिंग है आपकी वो प्रॉपर तरीके से होती है हर लैंग्वेज जो है उसका एक सिंटेक्स होता है चाहे वो कोई भी लैंग्वेज हो हर एक लैंग्वेज का एक सिंटेक्स होता है प्रिंसिपल्स होते हैं रूल्स होते हैं और ये हर एक लैंग्वेज का अलग अलग होता है बट हर लैंग्वेज में सिंटेक्स यूज होता है क्योंकि बिना सिंटेक्स के यू कांट मेक अ सेंटेंस अब यहाँ पे समझने की बात यह है कि जो सिंटेक्स और ग्रामर है कुछ लोग दोनों को एक ही तरीके से ले लेते हैं लेकिन इज़ डिफरेंस बिटवीन सिंटेक्स एंड ग्रामर सिंटेक्स एक छोटा एरिया होता है लेकिन वहीं पे जो ग्रामर है वो ब्रॉड एरिया में काम करता है जो सिंटेक्स है वो ग्रामर के अंदर आता है इट मीनस लाइक सिंटेक्स इज अ पार्ट और सब पार्ट ऑफ ग्रामर सिंटेक्स इज अ पार्ट ऑफ ग्रामर और जो हियरिंग और स्पीकिंग दोनों ही होती है सिंटेक्स के अंदर द सिस्टम ऑफ रूल्स ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ अन्टेंस इन अ लैंग्वेज की जो स्ट्रक्चर होता है सिंटेक्स इज द ऑर्डर और अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स फ्रेजेज फ्रॉम प्रॉपर सेंटेंस द मोस्ट बेसिक सेंटेंस फॉलोविंग अ सब्जेक्ट वर्ब और डायरेक्ट इनका यूज किया जाता है एक सिंटेक्स के अंदर आई होप जो इसकी टर्म्स है वो क्लियर हो गई होगी कि सिंटेक्स का मतलब होता है ज अरेंजमेंट ऑफ वर्ड फ्रेजेस को अरेंज करना वर्ड्स को अरेज करना किसी भी सेंटेंस के अंदर अब जो एग्जाम्पल ऑफ सिंटेक्स है जितने टाइप्स के हमारे एग्जाम्पल्स होते हैं जो हमारे सेंटेंस के टाइप होते हैं वहीं पे हमारा सिंटेक्स को यूज़ करके पढ़ेंगे जैसे कि द बॉय जम्प्टली नेक्स्ट है द बॉय हैप्पी जम्प्टली द बॉय जम्प्ट यहाँ पे क्या शो किया गया है कि

अब जो सिंटेक्स है उसकी अगर हम बात करें तो फॉलोविंग एग्जाम्पल है सिमिलर सिंटेक्स बट डिफरेंट डिक्शन ये क्वालिटी होती है जो सिंटेक्स होता है उसमें सिमिलर सिंटेक्स होते हैं कुछ सेंटेंसेस में लेकिन जो उसका डिक्शन होता है वो चेंज होता है जैसे कि एग्जाम्पल के लिए द बॉय जम्प हैप्पी नेक्स्ट है द गर्ल सेंग ब्यूटिफुली द डॉग बार्कड लाउडली तो यहाँ पे आप देखेंगे इन तीनों सेंटेंसेस में कि जो सेंटेक्स है जो अरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस है जो सिलेक्शन ऑफ वर्ड है उसमें आप सिमिलैरिटी देख सकते हैं लेकिन जो उसका डिक्शन है दैट इज़ डिफरेंट डिफरेंट फ्रॉम वन एंड ईच सेंटेंस इसको और क्लियर करते हैं दैट फ्यू एक्जाम्पल्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेक्स इन इंग्लिश और वो जो डिफरेंट टाइप ऑफ सेंटेक्स हैं वो कैसे आते हैं जो सेंटेक्स है वो कहाँ यूज होती है वो सेंटेंसेस में यूज होंगे और अब हम टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस की बात करते हैं कि कितने टाइप्स के सेंटेंस होते हैं तो सिंपल सेंटेंस होता है कंपाउंड सेंटेंस कंपाउंड सेंटेंस होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है और जो सेंटेंस होता है उसी से हम सेंटेक्स होता है उसी के अंदर सेंटेक्स होता है तो यहाँ पर हमने क्या लिखा है सिंपल सेंटेक्स एग्जाम्पल कंपाउंड सिंटेक्स एग्जाम्पल एंड कम कॉम्प्लेक्सेंटेक्स एग्जाम्पल एंड कम्पाउंड कॉम्प्लेक्सेंस एग्जाम्पल इसको हम क्लियर करेंगे वन बाई वन एक को सो so, जो सिंटेक्स है उसका बेसिकली अगर हम सबसे पहले बात करें दैट सिंपल सेंटेंस फॉलो सब्जेक्ट वर्ब फॉर्मेट ये हम सब जानते हैं कि जो सिंपल सेंटेंस होता है उसके अंदर क्या होता है एक सब्जेक्ट होता है और एक वर्ब होता है राइट अब ये जो सिंपल सेंटेंस होता है ये किस तरीके से बनता है इसमें सिंपल सिंटेक्स का यूज किया जाता है सिंटेक्स अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स का यूज़ किया जाता है वो बहुत सिंपल होते हैं एग्जाम्पल के लिए द बॉय जम्प्ट द गर्ल सेंग अब यहाँ पे आप देखेंगे कि जो इसमें सब्जेक्ट है और जो वर्ब है उन दोनों का यूज़ किया गया है जैसे कि जो बॉय है वो आपका क्या है सब्जेक्ट है जो जम्प्ट है दैट इज़ योर वर्ब इन नेक्स्ट सेंटेंस गर्ल इज़ योर सब्जेक्ट एंड सेंग इज़ योर वर्ब तो यहाँ पे क्या है सिंपल सिंटेक्स का यूज किया गया है सिंपल सेंटेंस का यूज किया गया और सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए जो सिंपल अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स होते हैं जैसे कि द वर्ड हो गया बॉय वर्ड हो गया जंप वर्ड हो गया जब हमने इन तीनों को असेंबल किया अरेंज किया तो यही हो गया हमारा सिंपल सेंटेंस एग्जाम्पल इसका आई होप आपको क्लियर हो गया होगा हो ये पॉइंट नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कंपाउंड सेंटेंस कंपाउंड सेंटेंस हैव मोर देन वन सब्जेक्ट ऑफ वर्ब एक से ज़्यादा सब्जेक्ट होते हैं और वर्ब होते हैं उनको बोलते हैं हम कंपाउंड सेंटेंस अब कंपाउंड सेंटेंस के अंदर किस तरह से कंपाउंड सेंटेक्स वर्क करता है कंपाउंड सिंटेक्स के एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखेंगे आप द बॉय जम्प्ट एंड द गर्ल सिंग यहाँ पर आप देखिए जो सब्जेक्ट है एक ही सेंटेंस के अंदर बॉय और गर्ल ये दोनों क्या है दो सब्जेक्ट हैं यहाँ पे और वर्ब कितनी है वर्ब भी दो है हमारे पास जम्प्ट और सेंग ये दोनों क्या हैं हमारी वर्ब हैं तो एक ही सेंटेंस के अंदर हमारे दो सब्जेक्ट और दो वर्ब काम कर रहे हैं और उन दोनों को कौन कनेक्ट कर रहा है एंड वर्ड कनेक्ट कर रहा है तो इस तरह से कंपाउंड सेंटेंस बनाया जाता है कंपाउंड मतलब जहां पर मोर देन वन सब्जेक्ट और वर्ब जहां पर एक से ज्यादा सब्जेक्ट और एक से ज्यादा वर्ब होते हैं वहां पर हमारा कंपाउंड सेंटेक्स होता है नेक्स्ट एग्जाम्पल है इसका आई डिड नॉट गो टू द कॉन्सर्ट बट आई वेंट फेयर तो यहाँ पे भी आप देखेंगे तो ये आपका किसका एग्जाम्पल है कंपाउंड सिंटेक्स का एग्जाम्पल है कि किस तरह से कंपाउंड तरीके से भी जो वर्ड्स का अरेंजमेंट है वो किया गया है बेसिकली सिंटेक्स का मीनिंग ही यही है द अरेंजमेंट ऑफ वर्ड और फ्रेज इन sentence. तो यहाँ पे किस तरह से वर्ड्स को अरेंज किया गया है जैसे कि पहले दा को लिखा गया है बॉय को लिखा गया है फिर जम्प को लिखा गया है एंड द गर्ल सैंग तो ये क्या है अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स एंड दिस इज कॉल्ड सिंटेक्स दिस इज कॉल्ड कंपाउंड नेक्स्ट इज योर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कंटेन कंटेन्स अ ऑर्डिनेटिंग क्लोज जैसे कि जब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस सिंटेक्स का आप एग्जाम्पल देख सकते हैं जैसे कि द बॉय जम्प इवन दो ही वॉज नर्वस तो कॉम्प्लेक्स मतलब यहाँ पे जो सबोर्डिनेट क्लोज होते हैं उनका यूज किया जाता है सेंटेंसेस में और सेंटेंसेस जैसे कि किसकी हेल्प से बनाए जाते हैं सिंटेक्स की हेल्प से तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि वर्ड है आपका द बॉय जंप इवन दो ही वॉज नर्वस सो ये जो जितने भी वर्ड्स हैं इनको एक प्रॉपर तरीके से अरेंज किया गया है नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल है बिकॉज शी वॉज एक्साइटेड द गर्ल sang अब ये जो दोनों सेंटेंसेज हैं ये एग्जाम्पल है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का जहाँ पे सब ऑर्डिनेटिंग क्लोज का यूज़ किया गया है और इसी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को बनाने के लिए हम कॉम्प्लेक्स सिंटेक्स का यूज़ करते हैं सिंटेक्स मतलब अरेंजमेंट ऑफ वर्ड अरेंजमेंट ऑफ फॉर्म तो बिना अरेंजमेंट के तो कोई भी सेंटेंस बन ही नहीं सकता जैसे कि यहाँ पे हमने पहले पहले वाला जो सेंटेंस था एग्जाम्पल का हमने वहाँ पे पहले जंप नहीं लिखा कि जंप लिखाओ फिर नर्वस लिखाओ फिर थ्रू लिखाओ फिर दा लिखाओ फिर बॉय लिखाओ वो कोई सेंटेंस नहीं होता तो हमने इसको सीक्वेंस से लिखा है पहले द फिर बॉय जम्प्ड इवन दो ही वर्स नर्वस तो इसी को क्या बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेक्स जब इसको अरेंजमेंट किया हमने कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंदर नेक्स्ट और लास्ट है हमारा कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और इसके अंदर क्या होता है दैट कंटेन्स टू इंडिपेंडेंट क्लोज एंड मोर इंडिपेंडेंट क्लोज दो इंडिपेंडेंट क्लोज होते हैं और डिपेंडेंट क्लोज भी होता है इंडिपेंडेंट इनडिपेंडेंट जो अलग से अपनी प्रेजेंस रखते हैं और डिपेंडेंट वो सेंटेंस जो दूसरे सेंटेंस के ऊपर डिपेंड होकर अपना मीनिंग प्रोड्यूस करते हैं जैसे कि एग्जाम्पल के लिए इवन दो ही वॉज नर्वस द बॉय जम्प्ट एंड ही लैंडेड अक्रॉस द स्ट्रीम इवन दो ही वॉज नर्वस द बॉय जम्प्ट एंड ही लैंडेड अक्रॉस द स्ट्रीम तो इसमें आप देखेंगे जो स्टार्टिंग के दो सेंटेंसेज हैं इवन दो ही वॉज नर्वस और द बॉय जम्प्ट ये दोनों क्या है इंडिपेंडेंट है लेकिन जो इसका थर्ड सेंटेंस है ही लैंडेड अक्रॉस द स्ट्रीम वह वह लैंड करता है स्ट्रीम के अक्रॉस में तो ये क्या है ये डिपेंड है पहले दोनों सेंटेंसेस के ऊपर नेक्स्ट एग्जांपल है इसका द गर्ल सेंग एंड वुमेन श्रिंक्ड बिकॉज दे वर एक्साइटेड तो यहाँ पे देखिए द गर्ल सेंग ये एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस है इंडिपेंडेंट क्लोज है द वमेन श्रिंकन ये भी एक इनडिपेंडेंट क्लोज और सेंटेंस है इनको किसी की डिपेंडेंसी की ज़रूरत नहीं है लेकिन जो इसका लास्ट है बिकॉज दे वो आर एक्साइटेड तो ये है आपका डिपेंडेंट क्लोज या फिर डिपेंडेंट सेंटेंस और जो ये कॉम्प्लेक्स कम्पाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को अरेंज करते हैं इसी को बोलते हैं कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेक्स जिसके दो एग्जाम्पल्स यहाँ पर गिवन हैं सो so, अगर हम इसको एक शॉर्ट समरी कर दें इसको सो so इसमें सिंटेक्स का बेसिकली क्या था द अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स एंड फ्रेजेस टू क्रिएट सेंटेंस सेंटेंस को क्रिएट करने के लिए वर्ड्स को और फ्रेज़ेस को अरेंज करना ही सिंटेक्स होता है अ वे फॉर राइटर्स टू एक्सप्रेस क्रिएटिविटी एंड क्रिएट इंटरेस्ट एक तरीका भी होता है जिससे राइटर्स क्रिएटिविटी के थ्रू इंटरेस्ट क्रिएट करते हैं क्योंकि जो सिंटेक्स होता है उसी की हेल्प से जो एक राइटर है उसका राइटिंग वर्क इम्प्रेसिव बनता है वो जिस तरह के सलेक्शन ऑफ वर्ड्स का यूज़ करता है अपने वर्ड्स को अरेंज करता है अपने किसी भी वर्क में उसी से उसका राइटिंग इफेक्टिव बनता है इसीलिए बोला गया है कि जो राइटर्स होते हैं वो सिंटेक्स के थ्रू ही इंटरेस्ट को क्रिएट करते हैं और अपनी क्रिएटिविटी को एक्सप्रेस करते हैं बैलेंस ऑफ वर्ड्स दैट मस्ट बी पैरल टू द ग्रामेटिकली करेक्ट और जो इनका वर्ड बनता है वो क्या होता है ग्रामेटिकली करेक्ट भी होता है ऐसा नहीं है कि कोई भी सिंटेक्स बना दिया आपने कोई भी फॉर्म अरेंज कर दिया लेकिन वो ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं है तो वो क्या होता है उसको ग्रामेटिकली करेक्ट भी होना